ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल की डॉक्टर माला श्रीवास्तव और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। संयुक्त राष्ट्र का ये आंकड़ा है कि हर साल लगभग 3 से 4 हजार बच्चे एक क्रोमोसोम डिसऑर्डर के साथ जन्म लेते हैं, जिसे हम डाउन सिंड्रोम के रूप में जानते हैं। आज हम डाउन सिंड्रोम पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हर साल 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम के प्रति आम लोगों में जागरूकता के मकसद से वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है और इस बार विद अस नॉट फॉर अस की थीम के साथ ये दिन मनाया जा रहा है। चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल है सर गंगाराम हॉस्पिटल से डॉक्टर माला श्रीवास्तव। डॉक्टर माला श्रीवास्तव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अगर हम सबसे पहले अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए डाउन सिंड्रोम के बारे में एक सामान्य जानकारी आपसे लेना चाहें कि डाउन सिंड्रोम क्या है, क्या बताना चाहेंगी आप? डाउन सिंड्रोम एक तरह की मानसिक बीमारी है जिसको मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। जी। इसमें जो बच्चे पैदा होते हैं उनको थोड़ा सा मंद बुद्धि रहती है, उनका ग्रोथ स्लो होता है, पढ़ने में भी पीछे रहते हैं, सो मच सो इनकी वेरिएशन भी रहती है। कुछ डाउन सिंड्रोम के बच्चे अपने आप से देखभाल भी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा पेरेंट्स के लिए मुश्किल होती है क्योंकि उनको खिलाना भी पड़ता है, नहलाना भी पड़ता है और स्कूल में भी उनको मुश्किल होती है। और कुछ वेरिएशन होते हैं कि बच्चे जो डाउन सिंड्रोम के होते हैं स्लो होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने स्पेशल स्कूल्स में जा सकते हैं, कम से कम अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं। मे बी इतने इंटेलिजेंट नहीं होते कि घर वालों की देखभाल कर सके, लेकिन खुद का काम और खुद के लुक आफ्टर वो लोग कर पाते हैं। इसके लिए हमें जागरूकता जरूर फैलानी चाहिए। कम से कम 20-25 साल से हम लोग प्रेगनेंसी के दौरान टेस्ट करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग टेस्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं ड्यूअल मार्कर टेस्ट। वो ब्लड टेस्ट होता है जिसमें हम एन्युप्लॉइडी टेस्ट करते हैं, डाउन सिंड्रोम को हम स्क्रीन आउट कर देते हैं। दूसरा, एक 12 वीक्स में हम एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड भी करते हैं गर्भवती महिलाओं के, जिसको NTNB स्कैन कहते हैं। इन दो टेस्ट से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हमें पता चल जाता है कि गर्भवती महिला, प्रेग्नेंट मदर, अगर डाउन सिंड्रोम के बच्चे को कैरी कर रही है तो हमें उसको काउंसिल करना पड़ता है और हमें पेरेंट से बात करके अगर वो चाहते हैं तो उस बेबी को अबॉर्ट भी करवा सकते हैं। क्योंकि बेसिकली डाउन सिंड्रोम के बच्चे ना खुद लाइफ एंजॉय कर पाते हैं और पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि बच्चे अगर पूरी अच्छे से इंटेलिजेंट ना हो तो उनकी देखभाल करने में स्पेशल प्रॉब्लम्स आती हैं। डॉक्टर, आपने जैसा कि बताया कि अब स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास मेडिकल फील्ड में इतनी ज्यादा तरक्की हो चुकी है कि उसकी पहले ही पहचान कर ली जाती है, लेकिन अभी भी आपसे समझना चाहेंगे कि इस बारे में लोग कितने जागरूक रहते हैं, क्योंकि आपके पास तो ऐसे मामले आते होंगे, लोगों को कितना मालूम होता है और कैसे आप उनको अवेयर करते हैं इस बारे में? अब से 20-25 साल पहले थोड़े से मुश्किल थी, क्योंकि पेशेंट्स प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर्स के पास देर से आते थे या नहीं आते थे, लेकिन आजकल लकीली हमारी लड़कियां पढ़ लिख रही हैं और जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती हैं वो किसी न किसी डॉक्टर के पास या मेडिकल फैसिलिटी में जरूर जाकर अपना चेकअप कराते हैं। और अब ये प्रथा भी चल पड़ी है कि जितनी जल्दी एक बार अल्ट्रासाउंड करा लिया जाए और देख लिया जाए कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है कि नहीं, तो हम लोग को ये पकड़ में आ जाती है। लेकिन आप सच कह रहे हैं कि कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है। अभी भी कुछ प्रतिशत महिलाएं डॉक्टर के पास देर से पहुंचती हैं और हमें ये डायग्नोसिस करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। दूसरी, आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि लड़कियां 35 के बाद थोड़ा सा प्रेगनेंसी करने की सोचती हैं, बिकॉज दे आर बिजी विद देयर स्टडीज, पढ़ाई में रहती हैं, प्रोफेशन में रहती हैं। जब वो सेटल होती हैं तब वो सोचती हैं कि मैरिज करें और बच्चे पैदा करें। डाउन सिंड्रोम का इंसिडेंस, मदर की एज अगर 35 से ज्यादा होती है तो इंसिडेंस बढ़ जाता है डाउन सिंड्रोम का। तो उन महिलाओं को जरूर अपने डॉक्टर के पास शुरू से जाना चाहिए और ये स्क्रीनिंग टेस्ट कराना चाहिए। ब्लड टेस्ट से ही स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, ड्यूअल मार्कर होता है, NIPT टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड से होता है, NTNB स्कैन होता है, हमारे पास सारी सुविधा होती है। और छोटे से छोटे शहर में भी ये ब्लड की टेस्ट की सुविधा है और अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा है। तो हम अपनी महिलाओं को कहेंगे कि अपने डॉक्टर के पास जरूर जाए, और स्पेशली अगर महिला की एज 35 से ज्यादा है तो उनको थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा और जागरूक रहना पड़ेगा ताकि उनके बच्चे डाउन सिंड्रोम ना हों। डॉक्टर, हम आपसे पेरेंट्स के नजरिए से ये समझना चाहेंगे कि किसी बच्चे में
डाउन सिंड्रोम के जो शुरुआती पहचान है, उसके लक्षण हैं, उनको कैसे पहचाना जा सकता है? और इस बारे में अक्सर कम जानकारी होती है, और कम जानकारी के चलते जब डाउन सिंड्रोम का पता नहीं चल पाता है तो शायद जो अर्ली इंटरवेंशंस हैं उसकी ओर पेरेंट्स नहीं जा पाते हैं, जो कि शुरुआत में बहुत जरूरी होता है। तो शुरुआती पहचान के लिए क्या कुछ आप बताना चाहेंगी पेरेंट्स को? नॉर्मली आजकल स्क्रीनिंग डाउन सिंड्रोम की प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है। अफकोर्स हम ये नहीं कहेंगे कि 100% प्रेग्नेंट मदर्स की स्क्रीनिंग हो जाती है। आई एम श्योर कुछ परसेंटेज महिलाएं छूट जाती होंगी स्क्रीनिंग से। तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो डाउन सिंड्रोम के बच्चे का फेस ही अलग होता है, उनके आईज का कर्व अलग होता है, उनका नेजल बोन, नाक उनकी डिफरेंट तरह की होती है, फेस उनका डिफरेंट तरीके का होता है। तो उसका फेस देखकर ही हम डॉक्टर्स बता सकते हैं कि ये बेबी डाउन बेबी है। पेरेंट्स को तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो हर बच्चे रोते हैं और हम लोग वाइटल्स देखते हैं तो पता चलता है, लेकिन डॉक्टर्स को बच्चे का फेस देखकर ही पता चल जाता है ये बच्चा डाउन है। नेचुरली वो स्लो होते हैं, बैठते देर से हैं, चलते देर से हैं, सीखते देर से हैं, बोलते देर से हैं, और उनके सीखने का भी तरीका धीरे धीरे ही होता है। तो पेरेंट्स को तो पता नहीं चलेगा, उनके डॉक्टर्स जो होते हैं, पीडियाट्रिशियंस जो होते हैं या गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, जन्म पर ही वो बता सकते हैं कि ये बच्चा डाउन सिंड्रोम है। लेकिन हम लोग वी आर लकी, क्योंकि लास्ट 25-30 ईयर्स से हमारे पास डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग है एंड डॉक्टर्स के पास अवेयरनेस है, और हम अपनी जो नॉलेज है वो अपने पेशेंट्स को जरूर ट्रांसफर करते हैं और इंसिडेंट्स ऑफ डाउन पे भी डेफिनेटली कम होते जा रहे हैं। एक सवाल अक्सर ये आता है कि डाउन सिंड्रोम में जैसे मानसिक और शारीरिक यानी मेंटल और फिजिकल तौर पर इम्प्रूवमेंट की कुछ गुंजाइश जरूर होती है, कुछ संभावनाएं होती हैं। एक पेरेंट्स के लिए बच्चे का रेगुलर, अगर डाउन्स है कोई बच्चा तो उसका रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना, उसके फिजिकल और मेंटल मॉनिटरिंग करना कितना जरूरी होता है? ऐसा नहीं है कि डाउन बेबी के साथ मेहनत करा जाए तो वो इम्प्रूव नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। डाउन बेबी भी सीखते हैं लेकिन देर से सीखते हैं, लेकिन अगर हम मेहनत करते हैं तो वो अपनी लुक आफ्टर कर पाते हैं, थोड़ा बहुत काम भी कर पाते हैं, कुछ एक स्पेशल जो जॉब्स हैं वो भी कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर पेरेंट्स अपने डाउन बेबी के साथ हार्डवर्क करें तो वो काम नहीं कर पाएंगे या अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। दे आर स्लो लर्नर्स, लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाते हैं, एंड देयर आर स्पेशल स्कूल्स फॉर देम ऑल्सो, जो उनके पास काउंसलिंग के लिए स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके लिए स्पेशल टीचर्स भी होते हैं जो उनको कुछ कुछ काम सिखाते हैं ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें और इंडिपेंडेंट रह सकें। तो डॉक्टर, आपने जैसे कि थेरेपीज के बारे में बताया कि, और हमने सुना भी है कि जैसे जो ऑक्यूपेशनल थेरेपीज हैं, फिजियोथेरेपीज हैं, और जो दूसरी तरह की थेरेपीज हैं वो शुरुआत में ही दे दी जाए, और इसमें स्पीच थेरेपी को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, उससे हम काफी हद तक जो संभावनाएं होती हैं उसको बढ़ा सकते हैं और डाउन सिंड्रोम के बच्चों को, उनकी इम्प्रूवमेंट को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अगर कोई पेरेंट्स इस तरह से सभी चीजों को ध्यान में रखता है तो आपको क्या लगता है कि जो पीपल विद डाउन सिंड्रोम है उनकी जो आगे आने वाला जीवन है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना उनका सुधार हो सकता है? डेफिनेटली डाउन बेबी के साथ अगर मेहनत करते हैं पेरेंट्स तो बच्चे अपने आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो पाते। अगर उनके साथ मेहनत करी जाए, उनको सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, दो दे आर स्लो लर्नर्स बट दे डू लर्न, सीखते हैं वो और अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना लेते हैं, कुछ कुछ काम भी वो कर पाते हैं और जीवन यापन भी कर पाते हैं, अपने पैरों पर भी खड़े हो पाते हैं। मे बी अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन या सर्टिफिकेट ना ले पाए, लेकिन अदरवाइज वो एक सिंपल साधारण जीवन सेल्फ सफिशिएंट होकर जीवन यापन कर पाते हैं। एक फैक्ट मैं डॉक्टर माला श्रीवास्तव अभी पढ़ रहा था कि 21 मार्च एक 21 जो नंबर है उसकी डेट को इंगित करता है, यानी जो अगर हम इसे थोड़ा मेडिकल टर्म में कहें तो जो क्रोमोसोम 21 है उसको इंगित करता है, इसीलिए शब्द चुना गया है। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं जिससे कि थोड़ा जागरूकता हो। ट्राइप्लोडी होती है ना, 21 जो क्रोमोसोम होता है उसी की एबनॉर्मैलिटी से होता है ये डाउन सिंड्रोम। जी जी, नॉर्मली जो मदर और फादर से आधे आधे क्रोमोसोम आने चाहिए, 46XY या 46XX होते हैं, तो 22+1 मतलब 23 क्रोमोसोम फादर से आना चाहिए, 23 क्रोमोसोम मदर से आना चाहिए,
उसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है 21 की ट्राइप्लॉडी, मतलब तीन हो जाते हैं। 21 क्रोमोसोम दो होने चाहिए, एक मम्मी से आना चाहिए, एक पापा से आना चाहिए, उसमें कहीं एक ट्राइप्लॉइडी हो जाती है, इसमें डाउन सिंड्रोम आता है। तो इसीलिए इसको डाउन सिंड्रोम बन जाता है, मेंटल रिटार्डेशन वाली एक कंडीशन बन जाती है। तो डॉक्टर, अब क्योंकि जो डाउन सिंड्रोम है उसको इंक्लूसिव माहौल देने की बात की जा रही है, और हम देखते हैं कि समाज में, जैसा कि आपने भी बताया कि उनका पार्टिसिपेशन हो, इस ओर अब कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसे में ये सवाल हमारा बनता है कि चाहे वो इक्वल पार्टिसिपेशन हो, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, हालांकि ये मेडिकल से जुड़ा हुआ एक सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे थोड़ा सा आपकी राय हम इस पर जरूर जानना चाहेंगे कि कितना जरूरी है एक इंक्लूसिव सेटअप देना एक डाउन सिंड्रोम के बच्चों को, जिससे कि उन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस तो आए ही, लेकिन उनके माता पिता जिन्होंने एक पूरा पेरेंटल केयर किया है, सपोर्ट दिया है, उनको भी कॉन्फिडेंस मिले। तो समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप थोड़ा बताना चाहेंगी अपने संदेश में? देखिए, डाउन सिंड्रोम जैसे मैंने आपको बताया, दे आर स्लो लर्नर्स, ऐसा नहीं है कि दे डोंट लर्न, दे हैव स्पेशल स्कूल्स। नॉर्मल स्कूल्स अलग होते हैं जहां बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम के लिए भी स्पेशल स्कूल्स होते हैं, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, उनके साथ स्पेशल तरह के एजुकेशन होती है, स्पेशल काउंसलर्स, स्पेशल टीचर्स, ये सब होते हैं, क्योंकि हमको उनको इंक्लूसिव करना है। दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग एंड दे आर ऑल्सो लविंग चिल्ड्रेन, तो हमको उनको सोसाइटी में इक्वल पार्टिसिपेशन जरूर देना चाहिए। और उनके चूंकि स्पेशल स्कूल्स हैं, वहां पर वो बच्चे पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं, खाते भी हैं, लाइफ भी एंजॉय करते हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग एंड दे हैव अ राइट टू एंजॉय लाइफ एंड दे हैव राइट टू प्ले ऑल्सो। तो पेरेंट्स को भी खुशी होती है कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चों की तरह खेलता है, हंसता है, खाता है, पीता है, और अपने तरह के बच्चों में खुश रहता है, फ्रेंड बनाता है, इंटरैक्ट करता है, और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी सीखता है। तो इस तरह से उनको भी इंक्लूसिव करना चाहिए, एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें उनको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए अपनी सोसाइटी से, और उनको दरकिनारे नहीं करना चाहिए, उनको हमें साथ लेकर चलना है। दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अर सोसाइटी, और ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोशिशें नहीं है, क्योंकि स्पेशल स्कूल्स हैं, स्पेशल साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पेशल ट्रेनर्स भी हैं, स्पेशल टीचर्स भी हैं, और उनके लिए स्पेशल माहौल भी है। डॉक्टर, हम आपसे यहाँ ये भी समझना चाहेंगे कि डाउन सिंड्रोम के बच्चों के साथ क्या कुछ दूसरे हेल्थ इश्यूज होते हैं, और इन हेल्थ इश्यूज को लेकर पेरेंट्स को कितना जागरूक होना आवश्यक है, साथ ही इसको लेकर सही डॉक्टरी सलाह कितनी जरूरी है? देखिए, डाउन सिंड्रोम के साथ ना बच्चों को कई बार हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है और कुछ कुछ और ऑर्गन की भी प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मेडिकल थेरेपी की भी जरूरत होती है, बिकॉज एवरी ह्यूमन बींग हैज अ राइट टू लिव हेल्दी। राइट, तो हम डाउन सिंड्रोम करके, मेंटल रिटार्डेड करके उसको किनारे नहीं कर सकते। अगर उसको साथ में हार्ट की भी प्रॉब्लम है तो उसका भी ट्रीटमेंट जरूरी होता है, सो दैट वो बच्चा भी नॉर्मल लाइफ लीड कर पाए। तो इसीलिए पीडियाट्रिशियन का रोल होता है, और वो पीडियाट्रिशियन ही काउंसिल करते हैं कि अब इस बच्चे को और किस किस चीजों की जरूरत है। तो इसके लिए जरूरी है कि सही डॉक्टर से सलाह ली जाए। सही डॉक्टर से सलाह ली जाए, क्योंकि मोस्टली हम लोग तो यही इनकरेज करते हैं कि हमारी लड़कियां जो है किसी भी मेडिकल फैसिलिटी में डिलीवरी करें। अगर वो हॉस्पिटल में आते हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या किसी भी नर्सिंग होम या किसी भी बड़े हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल या फैसिलिटी में जहां भी वो डिलीवर करते हैं, वहां के जो पीडियाट्रिशियन होते हैं या न्यूनेटोलॉजिस्ट होते हैं जो बर्थ के टाइम पर बच्चे को देखते हैं, आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम देसी, तो वो लोग ही गाइड करते हैं, क्योंकि बच्चे के टीकाकरण के लिए भी हम बच्चे वाले डॉक्टर के पास ले जाते हैं बच्चे को। डॉक्टर माला श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के अवसर पर आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल की डॉक्टर माला श्रीवास्तव और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।